डैड को ऑफिस छोड़ दिया है सो so, अच्छा बेल्ट अपने आप ही कट रही है. ओके फाइन. सो गाइज आई लिव इन गाजियाबाद एंड हाँ ठीक है बापू जी. अबे यार ये क्या अलग प्रॉब्लम खड़ी हो गई है डैड का. जैसे कि आज मतलब फर्स्ट टाइम आया ऑफिस में और वहाँ पे स्टार्टिंग में बाहर एंट्री पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर 100 आ रहा है. सो अभी उन्हीं का फ़ोन आ रहा था तो बंद हो जा भाई क्या ऐड भी आने लगेगा फ़ोन में. सो हाँ सो उनका टेम्परेचर 100 आ रहा है. सो अभी लेट्स सी यार, तो अलग टेंशन वाली बात हो गई है. बट होपफुली मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से हुआ, गर्मी की वजह से एकदम से बाहर निकले हैं सो उस टेम्परेचर चेंज की वजह से. सो मैंने कहा कि थोड़ी देर पानी पी के आप वेट करो एंड देन उसके बाद देखो कि अगर नॉर्मल होता है नहीं तो फिर बाकी देखते हैं क्या है. ओह मैन सो अभी मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा. एंड वैसे मतलब मेरा प्लान ये था वैसे अभी का कि अभी डैड को छोड़ के मुझे जाना था अभी मतलब हार्ड डिस्क लेने, क्योंकि मेरी जो पूरा लैपटॉप है वो सब कुछ करप्ट हो गया है वायरस की वजह से. सो अभी देखते हैं, हार्ड डिस्क वाला प्लान पोस्टपोन करते हैं. वैसे मैं इसीलिए आया था कि मैं डैड को ऑफिस छोड़ दूंगा, उनका भी काम हो जाएगा और मैं अपनी हार्ड डिस्क भी ले लूँगा. और अभी लेट्स सी, अभी देखते हैं कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है. एंड अगर अभी उनकी एंट्री हो जाती है चीज़ें नॉर्मल रहती हैं सो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं. फिर मैं जाऊँगा हार्ड डिस्क लेने. लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें चलती हैं. हेलो हाँ भाजी मैन फाइनली. चलो भाई ठीक है, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है. वो एक्चुअली कहा था कि जिस गेट को मतलब उन्होंने चेक कराया था उस मशीन में प्रॉब्लम थी एंड फिर डैड ने दूसरे गेट से एंट्री ली सो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो दूसरी मशीन से वगैरह वहाँ पर ठीक था. अभी पहले फ़ोन करके पूछता हूँ कि शॉप वगैरह खुली है नहीं खुली है. सो जो बेसिकली डेली में उन्होंने सिस्टम बनाया है, डेली में कुछ ये सिस्टम है कि ऑड और इवन करके शॉप खुलेंगी. सो मैं कॉल करके पूछता हूँ कि आज वो शॉप खुली है नहीं खुली, और नहीं खुली हुई तो कहीं और से देखेंगे. एंड देन लेट्स सी कि आज कोशिश तो ये रही कि आज ही हार्ड डिस्क मिल जाए, नहीं तो फिर उसका सेकेंड ऑप्शन मेरे अपने पास है ही कि भाई ऑनलाइन बुक करी जाएगी. लॉकडाउन 4.0 चल रहा है वैसे तो दिल्ली में मोस्टली ओपन कर दिया गया है, बट लेकिन फिर भी रोड बिल्कुल आई मीन खाली है. पास में सिग्नेचर ब्रिज है और मैंने अब तक दिल्ली में देखा भी नहीं है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट चलते हैं और अगर जगह सही मिली तो देख के ड्रोन ही फ्लाई कर लेंगे. और मेरे सामने सिग्नेचर ब्रिज है. ड्रोन तो फ्लाई हो नहीं पाया सिग्नेचर ब्रिज के पास में, एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी तो मैंने रिस्क भी नहीं लिया. सो अभी चलते हैं वापस एंड डैड को ऑफिस से लेते हैं और फिर घर चलते हैं. और अभी मुझे अराउंड लगेंगे पहुंचने में 25 मिनट्स. सो बस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, अभी मुझे लगभग आधा घंटा लगेगा और मैं अभी जल्दी पहुँचना भी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो.